हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। आशा करुच्ची तुम्हें समस्ते बहुत भले निज निजर एग्जाम की बहुत भले से प्रिपेरेशन कर। तो आम मैंने डिस्कशन करुले SSB हिस्ट्री पेपर वन यूनिट वन जो थी कि 1, 2, 3, 4 चारिटा बुलेटिन आम अलरेडी सरी सारा। आज आम मैंने डिस्कशन करवा यूनिट वन बुलेटिन 5 जोटा कि रही रोम रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट्स डेवलपमेंट ऑफ क्लास सोसाइटी आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ठीक अच्छे, तो प्रथम आम मैंने डिस्कशन करनवा रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास सोसाइटी। देन नेक्स्ट क्लास रे आम मैंने डिस्कशन करवा आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर संपर्क में जहाँकि रोम सभ्यतार रहा। ठीक अच्छे, तो प्रथम चलो आम मैंने डिस्कशन करवा द रोमन रिपब्लिकन बा द रोमन रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट्स द रोमन रिपब्लिक। तो ये तुम्हें माने रोम रो मैप टी को देखी पारु थी बो। ठीक अच्छे, तो ये मैपटा मेडिटेरेनियन बेसिन रे जेहेतु रही रोम, तो यहाँ रही रोम रो मैप तुम्हें माने देखी पारु थी बो। ठीक अच्छे, तबे चलो एथिरे मैपटा एया शो करोची रोमन एक्सपेंशन अप टू अराउंड 100 BCE। बाय दिस टाइम रोम कंट्रोल्ड मच ऑफ द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो ये जो मैपटा रे तुम्हें माने देखी पारु थी बो, तो रोम वेस्टर्न मेडिटेरेनियन द्वारा प्राय माने सबू दिगर कि कंट्रोल रे रही थिला। तबे चलो देरी न करी की आउ क्लास टी को स्टार्ट करिबा। ठीक अच्छे, तो एठी मध्य आउ गोटे तुम्हें माने मैप देखी पारु थिबो। तो ए मैप रे कौन शो करुची ना द रूट ऑफ वाया अपिया रोम्स फास्ट रोड इन व्हाइट। तो रोड टी जोटा रही तुम्हें माने देखी पारु थिबो एठी जो रही व्हाइट कलर रो ए रोड टी। ओके, तो यहाँ रही रोम रो रोम दे कि जाइथिबा रास्ता। ओके, तबे चलो स्टार्ट करिबा रोमन रिपब्लिक बा रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोम। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम मैंने आंसेंट स्टेट कथा देखिबा। रोमन रिपब्लिक रो आंसेंट स्टेट प्रायतः 509 BC रु 27 BC पर्यंत थिला। ताले व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक माने कौन ना द रोमन रिपब्लिक वाज अ स्टेट दैट लास्टेड फ्रॉम द ओवरथ्रो ऑफ द लास्ट रोमन किंग टार्क्विन इन 509 BCE टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोमन एम्पायर इन 27 BCE व्हेन ऑक्टेवियन वाज गिवन द नेम ऑगस्टस एंड मेड प्रिंसेप्स। ठीक अच्छे, तो रोमन रिपब्लिक किपर थिला बा कौन थिला। तो रोमन रिपब्लिक कथा जदि आम मैंने डिस्कशन करवा यहाँ हूँ गोटे स्टेट जहाँकि मानने लास्ट रोमन किंग थिले टार्क्विन, लास्ट रोमन किंग थिले टार्क्विन इन 509 BCE टू द एस्टाब्लीशमेंट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन किंग थारु रोमन एम्पायर मानने 509 BCE रु 27 BCE पर्यंत जो टोटल होल टाइमिंग टा रोम रहा से पूरा रोमन रिपब्लिक अंडर में आसी जाए। जितेबले ऑक्टेवियन बा ऑक्टेवियन को जितेबले ऑगस्टस नाम रे आम मैंने समस्त जानले बा हिस्ट्री जानला एंड मेड प्रिंसेप्स, तो सेबेठु ही स्टार्ट हेतला रोमन रिपब्लिक। ओके, हाउ वाज द रोमन रिपब्लिक डिफरेंट फ्रॉम द रोमन एम्पायर। रोमन रिपब्लिक टा रोमन एम्पायर रु किपरि भाबरे अलग ना द मेन डिफरेंस बिटवीन द रोमन रिपब्लिक एंड द रोमन एम्पायर वाज दैट द फॉर्मर वाज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द लैटर वाज रन बाय ओनली वन मैन। तो पूर्वर जहाँ थिला बा रोमन रिपब्लिक जहाँ थिला सेटा गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी थिला, किंतु परवर्ती अवस्था रे केवल जणे ही लोक ताकु चलेला, जणे किंग ही ताकु चलेला। सो एटा हेगला कौन ना गोटे मोनोथेइज्म चलेला, माने गोटे ही लोक सेठी किना शासन कला। अल्सो द रोमन रिपब्लिक वाज इन एन ऑलमोस्ट कंस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर whereas the Roman Empire's first 200 years were relatively peaceful। तो रोमन रिपब्लिक रो रोमन रिपब्लिक कथा जोड़ा फास्ट किना रही थी मैंने से टाइम कि बहुत वार फार होता मानने युद्ध होता, किंतु रोमन एम्पायर जितेबाला चलला जड़े लोक जितेबाला ताकु चलेला रोम को, तो प्रथम 200 वर्ष पूरा शांति किना चली। ओके, व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक ए डेमोक्रेसी। रोमन रिपब्लिकटा गोटे डेमोक्रेसी थिला कि द रोमन रिपब्लिक वाज ए डेमोक्रेसी। तो सेठी गणतंत्र रही थिला रोम रे बा रोमन रिपब्लिक रे गणतंत्र चली। इट्स गवर्नमेंट कंसिस्ट
इट्स गवर्नमेंट कंसिस्टेंट ऑफ द सीनेट एंड फोर असेंबलीज माने गोटे सीनेट रही थिला आउ चारटा असेंबली मध्य रही थिला द कमिटिया क्वेरियाटा द कमिटिया सेंचुरियाटा एंड द कंसिलियम प्लेबिस एंड द कमिटिया ट्रिब्यूटा तो एटा थिला चारटा असेंबली ओके कौन कौन थिला कमिटिया क्रोयाटा जमिति हमरो लोकसभा राज्यसभा रहिछि ओके हमरो सुप्रीम कोर्ट रहिछि समिति तांकर गोटे मेन त रहिथिला सीनेट एवं चारटा असेंबली सेथिरे थिला गोटे होछि कमिटिया क्रोयाटा आ गोटे होछि कमिटिया सेंचुरियाटा आ गोटे होछि कंसिलियम प्लेबिस आ गोटे होछि द कमिटिया ट्रिब्यूटा तो चारटा असेंबली रहिथिला गोटे सीनेट रे Nevertheless, in emergency situations, the Senate and consuls would appoint a temporary dictator to rule for a limited amount of time. So, jetebele kichi emergency situation asuthila, Senate ebon jo consul gudiko thile ba charta jo assembly thile ba sethire rohithiba jo person mane semane gote appoint korithanti gote temporary dictator ko je ki rule korithanti gote limited amount of time porjonto केवल इमरजेन्सी टाइम तक द मोस्ट फेमस ऑफ दिस डिक्टेटर्स वाज से जो डिक्टेटर जहाँ को कि लिमिटेड पीरियड पर्यंत बा लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम पर्यंत कौन दिया जाए तांको से रूल करिबार अधिकार दिया जाए से मध्यरु प्रथम डिक्टेटर थिले किए बा जने फेमस डिक्टेटर थिले किए ना सिनसिनाटस ओके सिनसिनाटस थिले से मध्यरु फेमस व्हाट वाज इट लाइक टू लिव इन रोमन रिपब्लिक रोमन रिपब्लिक रे रहिबा कि प्रकार रथिला केम प्रकार रथिला से टाइम रे सोसाइटी इन द रोमन रिपब्लिक वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस तो सोसाइटी कथा जदि देखिबा ताले दीटा क्लास रे डिवाइड हेथिला रोमन रिपब्लिक टाइम रे द वेल्दी पार्टिशियंस जो मान को पाखरे अधिक धन संपत्ति थिला से माने गोटे पार्ट रे रहिथिले बहुत जनरल सिटीजनरी तो जनरल मानन को देख द वेल्दी पार्टिशियंस ठीक अछि वेल्दी जो मानक पाखरे टंका पैसा थिला से माने पार्टिशियंस थिले एवं जनरल सिटीजनरी मानंको बा जनरल सिटीजन्स मानंको प्लेबियंस बोलिका कहा जाउथला दे कुडंट इंटर मैरी से माने केबेले इंटर मैरी करि पारु नथिले ठीक अछि ओनली मेल रोमन सिटीजन्स कुड वोट केवल मेल माने ही वोट दबार अधिकार से मानकर थिला स्लावेरी वाज इंपोर्टेंट टू रोमन इकोनॉमी स्लावेरी निहाति भाबरे इंपोर्टेंट थिला रोमन इकोनॉमी लागि मोस्ट ऑफ द रोम पॉपुलेशन लिव्ड इन अपार्टमेंट ब्लॉक्स कॉल्ड इंसुले तो जो अपार्टमेंट रे रोमन पॉपुलेशन रहुतिला ताको कोन कह जाउतिला इंसुले बोलिका कह जाउतिला व्हाई डिड द रोमन रिपब्लिक एंड कोन पई समाप्त हो गला रोमन रिपब्लिक ना 31 बीसी रे जतेबेले ऑक्टेवियन बा जो अगस्टस डिफीटेड मार्क एंटोनी इन द बैटल ऑफ ऑक्टियम ठीक अछि 31 बीसी रे ऑक्टेवियन बा अगस्टस जतेबेले मार्क एंटोनी को डिफीट करे दिले बैटल ऑफ ऑक्टियम रे एंड सेज कंट्रोल ऑफ रोम एवं निज अख्तियार को रोम रो कंट्रोल को नै गले द रोमन रिपब्लिक हैड एंटर्ड इट्स फाइनल इयर्स तो रोमन रिपब्लिक खत्म हो जाइथिला एवं बैटल ऑफ ऑक्टियम परे कोन हैला ना संपूर्ण भाव रे जणे राजा सेठी शासन कले इट केम टू एन एंड इन 27 बीसी रोमन रिपब्लिक 27 बीसी रे सरी जाइथिला बा खत्म हो जाइथिला ध्वंस हो जाइथिला व्हेन ऑक्टेवियन वाज मेड प्रिंसेप तो ऑक्टेवियन जतेबेले राजा हो गले एवं प्रथम सिटीजन हो गले रोम रो तो से बैठो ही रोमन रिपब्लिक रो समाप्त घटिला एवं जणे ही लोक सेठरे राज्य बा से देश को अख्तियार करके निजर शासन कार्य आरंभ कले द टाइटल वाज इंटेंडेड टू मेंटेन द इमेज ऑफ लिमिटेड पावर बट इन रियलिटी द ही हैड बिकम रोम्स ऑटोक्रेटिक रूलर ठीक अछि तो केवल तो माने नामक मात्र रिपब्लिक बोलिका ताको रही थिला ना किंतु ऑटोक्रेटिक हो जाइथिला एंड द फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर ऑक्टेवियन हो गले रोमन एम्पायर प्रथम एम्परर ओके तबे चलो संपूर्ण भाव रे आकु डिस्कशन करिबा गोटी गोटी की फर्स्ट आमर रोमन रिपब्लिक जहाँ कि आम मैंने जानले टिके टिके गोटे गोटे छोटे छोटे क्वेश्चन से सब संपर्क में जानले वर्तमान चलो ताको विक्षिप्त भाव रे डिस्कशन करिबा रोमन रिपब्लिक 509-27 बीसी पर्यंत चलीला रोमन रिपब्लिक रो कारण दुटा टाइम हो गला रोम रो गोटे हूँ कौन ना रिपब्लिक टाइमटा एवं आउ गोटे हूँ कौन ना जितेबले ऑक्टेवियन जीति गले एंटोनियम रो जो वार थिला ओके सॉरी ऑक्टियम रो जो वार थिला सेथिरे से मार्क एंटोनी को हरे कि निजे जीति जाइथिले एवं प्रथम रोमन एम्पायर रो प्रथम एम्परर हेथिले ठीक अछि
The ancient state centered on the city of Rome that began in 509 BC. Starting thila yara 509 BC. When the Romans replaced their monarchy with elected magistrates and lasted until 87 BC. तो 509 BC रे जेते बेले रोमन माने कोन करूथिले कि सेमानकर मोनार्की को इलेक्ट करथिले जने मजिस्ट्रेट तांको शासन करबा लागि सेमाने वोट दे कि इलेक्ट करूथिले जहा कि एई बळी भाबरे चालीथिला 87 BC पर्यंत. व्हेन द रोमन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड माने रोमन एम्पायर रिपब्लिक थिला फर्स्ट देन हेगला एम्पायर. तो रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हेबा पूर्वरु 87 BC पर्यंत रोमन रिपब्लिक थिला. ओके, ए ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ द रोमन रिपब्लिक फॉलोस. एठी आमे माने देखिबा फॉर फुल ट्रीटमेंट सी एंसेंट रोम. ओके ठीक अछि, तो ब्रीफ ब्रीफली एठी वर्तमान आमे माने रोमन रिपब्लिक को देखिनबा. ओके, रोमन एक्सपेंशन इन इटली फ्रॉम 298 रु 201 बीसी. रोमन एक्सपेंशन करथिला इटली को एठी किना जहारो इमेज तुमे माने देखि पारु छ 298 रु 201 बीसी पर्यंत. द इयरली हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड कौन रही छि देख, रोमन रिपब्लिक फास्ट देखिबा 509 रु 264 बीसी पर्यंत केमिति थिला. एंड द प्रेसिडेंस रिगल रेगल पीरियड थिला तार 753 रु 509 बीसी. ता पूर्वरु किना जो रेगल पीरियड ता थिला 753 रु 509 बीसी पर्यंत आर द मोस्ट पोअरली डॉक्यूमेंटेड पीरियड्स ऑफ रोमन हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्रिकल राइटिंग इन रोम डिडंट बिगिन अंटिल द थर्ड सेंचुरी बीसी. तृतीय माने थर्ड सेंचुरी बीसी पर्यंत कौनसी प्रकार रो माने रोम विषय रे कौनसी प्रकार रो लेखा से पर्यंत नथिला. व्हेन रोम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स कंक्वेस्ट ऑफ इटली माने से विषय रे किछि भेले थर्ड सेंचुरी पर्यंत लेखा जाय नथिला, जबकि रोम इटली को मध्य जय कर सारे थिला. एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए मेजर पावर ऑफ द एंसिएंट वर्ल्ड. तो रोम गोटे एंसिएंट वर्ल्ड रो गोटे मोस्ट पावरफुल पावर मध्य हो जायथिला. एंड बिकम इन्वॉल्वड इन ए गैंगेटिक स्ट्रगल इन कार्थेज. तो कार्थेज रो जो गोटे स्ट्रगल होता फॉर कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन से रोम मध्य पार्टिसिपेट करथिला. द अर्लीस्ट रोमन हिस्ट्रीज वेयर ब्रीफ रिज्यूम्स ऑफ रोमन रोमन रो बा रोम रो जो अर्लीस्ट हिस्ट्री रही वेयर ब्रीफ रिज्यूम्स ऑफ फैक्ट्स एंड स्टोरीज बट ग्राजुअली हिस्टोरियंस एम्बेलिश्ड द स्पेयर्स फैक्चुअल मटेरियल सच एज द लिस्ट ऑफ एनुअल मजिस्ट्रेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑनवर्ड रिलीजियस रिकॉर्ड्स एंड द टेक्स्ट ऑफ द ऑफ सम लॉज एंड ट्रीटीज विथ बोथ नेटिव एंड ग्रीक फोल्कलोर सॉरी फोकलोर. तो कौन है कि माने सेतेबेले जेहेतु कोनोसी प्रकार रो लेखा लेखा जाऊ नथिला, तो जेतेबेले किना रोमन एम्पायर गढ़ी उठिला रोमन रिपब्लिक गढ़ी उठिला ता पूर्वरु किछि भी लेखा जाय नथिला थर्ड सेंचुरी बीसी पर्यंत. तार माने थर्ड सेंचुरी बीसी परे ग्राजुअली हिस्टोरियन माने कौन कले कि विभिन्न मटेरियल रु किना विभिन्न स्टोरी संग्रह करके सेमाने किछि किछि लेखा आरंभ कले. कंसिक्वेंटली ओवर टाइम हिस्ट्रिकल फैक्ट्स अबाउट अर्ली रोम सफर फ्रॉम पैट्रियोटिक reinterpretation involving exaggerations of the truth, the suppression of embracing facts and inventions. Consequently jodi dekhiba ame mane tale jo historical fact gudiko roichi rome bisare se gudiko bahut prakara ro patriotic situation deki asichi bibhinna prakara ro truth ko exaggerate kariki lekha jaichi ebon the suppression of embracing facts and invention bibhinna prakara ro इन्वेंशन एवं फैक्ट को दबाई दिया जाए जहाँफल कि लेखा समस्त आग को आसी पार नथिला. तो एंसिएंट रोमन हिस्ट्रियन माने इनिशियली डिफर्ड ओवर द प्रेसिस डेट ऑफ रोम्स फाउंडेशन. बाय द एंड ऑफ द रिपब्लिक जितेबले खत्म हो गला रोम रे, हाउएवर इट वाज जनरली एक्सेप्टेड दैट रोम हैड बीन फाउंडेड इन 753 बीसी एंड दैट द रिपब्लिक हैड बिगन इन 509 बीसी. तो रोम्र जो सब लेखा गुड़ाक परवर्त अवस्था कि प्रेसी गुड़िक लिखाई थी हिस्ट्रियान मैंने से सब लिखी थे कि आम मैंने देखा पाइबाजे 553 बीसी रे कि रोम फाउंड है मानने रोम बोलिका गोटे जगह अच्छी से 753 बीसी रे रोमन रिपब्लिक स्टार्ट होता 509 बीसी रु. फॉलोइंग द ओवरथ्रो ऑफ ये मन रखिबो लुसियस टार्कुनियस सुपरबॉस द लास्ट रोम्स सेवेन किंग्स. तो सात जन महान किंग मानक मध्यरु एथिले सप्तम बा लास्ट थिले लुसियस. ठीक अछि,
According to tradition, the first six kings had been benevolent rulers, but the last was a cruel tyrant who was overthrown by a popular uprising. So, ये जो सात जन महान किंग जहाँ को कहा जाए था सेवेन किंग्स ओके तो सेवेन जाक मध्य छः जन जाक पूरा बेनेवोलेंट थे बहुत भल थे कि जो सात जन बा जो लुसियस बहुत क्रुएल थे टायरेंट थे जे कि पॉपुलर अपराइजिंग मान द्वारा ओवरथ्रो कर ठीक अच्छे काढ़ी दि जाइला सीट्रु सिंहासन बहिष्कृत कर लुसियस को ठीक अच्छे द प्रिवेलेंट मॉडर्न व्यू इज दैट द मोनार्की एट रोम वाज इंसिडेंटली टर्मिनेटेड थ्रू मिलिटरी डिफिट एंड फॉरेन इंटरवेंशंस ये जो थियोरीटा रहिला ए थियोरी को सी रोम एज ए साइट हाईली प्रेज्ड बाय द एट्रुस्कांस एट्रुस्कान कहाँ को कहा जाऊला ना द पीपल ऑफ द सेंट्रल इटालियन रीजन एट्रुआन कहाँ को कहा जाऊला द पीपल ऑफ द सेंट्रल इटालियन रीजन ऑफ एट्रुरिया तो एट्रुरिया बोली का जो जगह थी से ही जगह जो लोग मैंने रोते एट्रुस्कांस बोली कह जाऊला तो या विषय कौन पर पढ़ुचे ना दिस थियोरी सीज रोम आज ए साइट हाईली प्रेस्ड बाय द एट्रुस्कांस तो रोम को साधारणतः ये बहुत मानुले इटालियन रीजन रो सेंट्रल एरिया कि जो रोला एट्रुरिया बोली का गोटे जगह से ही जगार जो पीपल मैंने ठीक अच्छे इन सिक्स सेंचुरी बीसी ए सब सिक्स सेंचुरी बीसी रे हेतिला तापरे पोर्शेना पोर्शेना द एट्रुस्कान किंग ऑफ क्लूजियम डिफिटेड द रोमांस एंड एक्सपेल्ड ट्रांक्विस सुपरबस तो से जो ट्रांक्विस सुपरबस सात जन किंग मान को मध्य जो सेवेन नंबर किंग थिले ओके लुसियस ट्रांक्विस सुपरबस तो से कौन करते कि एक्सपेल कर दे ठीक अच्छे डिफिट कर दे किए ना ये रही पोर्सेना द एट्रुस्कांस किंग ऑफ क्लूजियम क्लूजियम रो जो एट्रुस्कांस किंग थे जहाँ ना हूँ पोर्सेना से ट्रांक्विस सुपरबस लुसियस को डिफीट कर देते येट बिफोर पोर्सेना कुड एस्टाब्लीश हिमसेल्फ आज मोनार्क तो तापरे ना कौन है ना पोर्सेना निजको कौन कले कि मानने मोनार्क समग्र साम्राज्यर अधिष्ठित मानने अधिष्ठाता बोलिका जनइले हि वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ लिविंग रोम विदाउट ए किंग माने तांको बाध्य कर परवर्त समय जे तुम राज्य छड़ी के पढ़ाओ ठीक अच्छे रादर देन रिस्टोरिंग देयर किंग द रोमांस रिप्लेस द किंगशिप विथ टू आनुअली इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स कॉल्ड कंसुल्स ठीक अच्छे तापर कौन है ना जेहेतु तांको बाध्य करागला धमक दिगला जे तुम पर्सेना को धमक दिगला कि तुम कौन कर ना विथड्रॉ करनी निजर सीट छाड़ी दियो जहाँफल कौन है ना तापर रोमान रिप्लेस करदे किंगशिप को दीटा इलेक्टेड मजिस्ट्रेट को माने फास्ट रे कौन थी किंग राज्य शासन करुले ठीक अच्छे तो किंग बर्तमान उठीगले तो रोम कौन कला कि दीज मजिस्ट्रेट को बर्तमान अपॉइंट करने लगे ठीक करने जो मानक कि कंसुल बोलिका कह जाऊला ओके ड्यूरींग द यर्ली रोमान रिपब्लिक इंपोर्टेंट न्यू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वेयर क्रिएटेड निहाती भाव में हम तो जेहेतु रोमान रिपब्लिक बर्तमान आसीगला आईटी किना कौन प्रकार राज्य शासन है यहाँ आम पूर्व कथ पढ़ुचे आम पुणी थे रोमान रिपब्लिक पर पुणी थे जिते ऑक्टोवियन अगस्टस जिते बड़े राजा हेले से पुणी थे आउ थे पढ़वा आम मैंने रोमान रिपब्लिकटा केमिका पुणी थे मोनार्की को पलि ड्यूरींग द यर्ली रोमान रिपब्लिक जिते नुआ नुआ कर स्टार्ट रोमान रिपब्लिक इंपोर्टेंट न्यू ऑफिशियल ऑफिस सॉरी पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड जेहेतु रिपब्लिक रिपब्लिकन कंट्री गोटे हो गला रोम तो पॉलिटिकल ऑफिसेस तैयारी हम एंड ओल्ड वन्स वेर एडप्टेड टू कोप विथ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द एंसिएंट हिस्ट्रियन ऐतिहासिक मानक मतरे दिस चेंजेस एंड इनोवेशंस रिजल्टेड फ्रॉम ए पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन टू सोशल ऑर्डर्स द पार्टिशियंस एंड द प्लेवियंस तो पार्टिशियंस को माने ना जो माने ऊपर श्रेणी लोक थे से मानको पार्टिशियन सॉरी हाँ पार्टिशियन बोलिके कह जाउथिला एवं जो माने नीचे श्रेणी बा तळ श्रेणी लोक थे तांको प्लेवियंस बोलिका कह जाउथिला दैट बिगिन ड्यूरिंग द फर्स्ट इयर्स ऑफ द रिपब्लिक एंड लास्टेड फॉर मोर देन 200 इयर्स तो जो सोशल ऑर्डरटा थिला बिटवीन दीटा कौन ना ये दुजन भितर सब पॉलिटिकल स्ट्रगल देखागला ठीक अच्छे एवं दीटा सोशल ऑर्डर जोटा कि पार्टिशियन और प्लेवियंस रहिले एवं एटा प्राय 200 वर्ष धरिके मध्य चलिला द डिस्क्रिपेन्सीज इनकनसीस्टेन्सीज एंड लॉजिकल फैलेसीज इन द अकाउंट ऑफ लिवी वन ऑफ रोम्स ग्रेटेस्ट हिस्ट्रियंस लिवी होउचंती जणे
ରୋମ୍ର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରସ୍ ଓଭର୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାଇଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିରିଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଡ୍ ନୋ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଜ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚାଲିଥିଲା ପାର୍ଟିସିଆନ୍ ଏବଂ ସରି ପାଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେବିଆନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବୃଥା କଥା ଲାଗିକା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମନମୋତା, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଝଗଡ଼ା ତ ନୁହେଁ ମନମୋଟା ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଜ୍ ବି ନଥିଲା ସେଥିରେ। ୟର୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ୟର୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିପରି ଥିଲା ରୋମାନ ରିପବ୍ଲିକ୍ର, ଦୁଇଟା ତ କନସୁଲ୍ ରହୁଥିଲେ, ଟୁ କନସୁଲ୍ସ ହୁ ହାଡ୍ କମ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। କିଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କନସୁଲ୍ ପଳେଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା କନସୁଲ୍ ରହୁଥିଲେ, ୱେୟାର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଜେନେରାଲ୍ ହୁଜ୍ ଟାସ୍କ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ରୋମ୍ସ ଆର୍ମିଜ୍ ଇନ୍ ୱାର୍। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ତ କାମ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ୱାର୍ରେ କିନା ଆର୍ମିକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କୌଣସି ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଖ, କନସୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଭୋଟ୍ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ନେସେସରି, ରୋମ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଡିକ୍ଟେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ ସରି, ଡିକ୍ଟେଟର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡିକ୍ଟେଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କମନ୍ଲି ରହୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜଣେ ତ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆର୍ମିକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କିନା ଡିକ୍ଟେଟର ଜଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ କନସୁଲ୍ସ, କନସୁଲ୍ସକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇକି ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଡିକ୍ଟେଟର, ହୁ ହାଉ ଏଭର୍ କୁଡେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ସୁପ୍ରିମ୍ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ଦେନ୍ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥସ୍। କେବଳ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ରହିପାରୁଥିଲେ ଡିକ୍ଟେଟର ଜଣେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ସେସିନାଟସ୍, ଲୁସିୟସ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟିୟସ୍, ଓକେ ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ପିକ୍ଚରରେ ତ ଦେଖିଲ ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ତାପରେ ଦେଖ ଦ ସନେଟ୍, ଯେମିତି ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ରହିଛି ସନେଟ୍ ବା ସିନେଟ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ମେ ହାଭ୍ ଏକ୍ଜିଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମୋନାର୍କି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭିଜୋରୀ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଦ କିଙ୍ଗ। ତ ସେନେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆଡ଼ଭିଜୋରୀ କାଉନସିଲ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବା ତାର କାମ ଥିଲା, ସେଇଟା କିଙ୍ଗଙ୍କର ଆଡ଼ଭିଜୋରୀ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲା। ନାଓ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବୋଥ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୋମାନ୍ ପିପୁଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ରୋମାନ୍ ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ ସିନେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲା। ଅଲଦୋ ଇନ୍ ଥିଓରି ଦ ପିପୁଲ ୱେୟାର୍ ସଭରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିନେଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫର୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ସିନେଟ୍ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଏନୋମରସ୍ ପାୱାର ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେୟାର ୱେୟାର ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବ୍ଲିଜ୍। ଓକେ, ଦୁଇଟା ମାନେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିନା ଦୁଇଟା ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଥିଲା, ଆମେ ଚାରିଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏଇଠିକିନା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ସେଞ୍ଚୁରିଏଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଦ ସେଞ୍ଚୁରିଏଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଜ୍ ମିଲିଟାରୀ ଇନ୍ ନେଚର, ମାନେ ସେଞ୍ଚୁରିଏଟ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ଥିଲା। ଇଟ୍ ଭୋଟେଡ୍ ଅନ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିନା ଭୋଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥାଏ, ହୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇମ୍ପେରିୟମ୍ ବା ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ୱାଜ୍ ଏ ନୋମିନିଟାରୀ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ସେଞ୍ଚୁରିଏଟ୍ ରହିଲେ ମିଲିଟାରୀର, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ର ରହିଲେ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦୋଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ହୁ ଡିଡ଼ଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇମ୍ପେରିୟମ୍। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଟ୍ ଆଜ୍ ଏ କୋର୍ଟ ଫର୍ ସିରିୟସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍। ତ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କାମ ହେଲା ସିରିୟସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ସେଞ୍ଚୁରିଏଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଦୁଇଟା ରହିଲା। ଓକେ, ତାପରେ 451 BCE କ'ଣ ହେଲା ନା, ରୋମ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ ଲ କୋଡ଼, ପ୍ରଥମ ରିଟେନ୍ ଲ କୋଡ଼ ରୋମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଗଲା କେତେରେ ନା 451 BCE। ଇନ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଅପନ୍ 12 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଟାବ୍ଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫୋରମ୍, ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କନ୍ସର୍ନ ସଚ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆଜ୍ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ ଫୋରମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, 12 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଫୋରମ୍, ଏଇଟା ପୁରା ଲ କୋଡ଼୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଫୋରମ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଫୋରମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କନ୍ସର୍ନ
सच मैटर्स ये प्रोविजन गुड़िक ल कोड रे जो प्रोविजन गुड़िका से गुड़िक साधारणतः ध्यान दूसरा लीगल प्रोसीडियर उपरे डेप्थ फोर्स क्लोजर उपरे पैटर्नल अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रेन उपरे प्रॉपर्टी राइट उपरे इनहेरिटेंस उपरे एंड फोनेरी रेगुलेशंस उपरे दिस सो कॉल्ड लॉ ऑफ द 12 टेबल्स ओके ए जो लॉ कोड को कौन कहगला द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स बोलिका कहगला एटा तो माने निहाते मन रखिबो वाज द फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सबसिक्वेंट रोमन प्राइवेट लॉ रोम रो जो प्रथम लॉ बना हेगला फर्स्ट रिटन लॉ रिटेन ल थिला ल कोड जहाँ को कहगला एवं तहार ना कौन दिगला ताको सो कॉल्ड कौन ताको कौन कह जाउथिला ल ऑफ द 12 टेबल्स ओके तापर आमे देखिबा द एक्सपेंशन ऑफ रोम एठी तुम माने देखि परथिबो केमिति एक्सपेंशन थिला रोम रो माने बढी बढी के किपरि भाबरे निजरो एरिया को कौन विस्तृत करथिला ठीक अछि एंसेंट इटालिक इटालिक पीपल ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी 6th सेंचुरी बीसी समय रे रोम बिकम वन ऑफ द मोर इंपोर्टेंट स्टेट्स इन लैटियम वेइंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स एट्रोस्कान ओवरलोड्स बट टीबुर बा टीवोली प्राइंस्टे एंड टुस्कुलम वेर इक्वली इंपोर्टेंट लैटिन स्टेट्स तो रोमटा गोटे इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाइला लैटियम बा लैटिन रे ठीक अच्छे किंतु ताकू छाड़ी आउ जो तीन टा रही गोटे हूँ टीभोली गोटे हूँ प्राइंस्टे एंड आउ गोटे हूँ टुस्कुलम तो एगुड़ाक इक्वाली इम्पोर्टाट लैटिन स्टेट रे कि एगुड़ाक रोम सहित इक्वाली इम्पोर्टाट थी अल्दो द लैटिन्स ड्वेल्ड इन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट टाउन्स देयर कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोड्यूस्ड कोऑपरेशन इन रिलीजन लॉ एंड वारफेयर द लैटिन स्टेट्स ओकेजनाली वेज्ड वार अमंग देमसेल्स माने ओकेजनाली सेमानक मध्यरे वार मध्य देखा जाउथला बट इन टाइम्स ऑफ कॉमन डेंजर दे बैंड टुगेदर फॉर म्यूचुअल डिफेंस तो किसी समय जावापर काल अतिक्रम हेतु किसी समय समयानुक्रमे ठीक अच्छे समयानुक्रमे धीरे धीरे कौन हैलाना से भितर युद्ध रहा नहीं से धीरे धीरे निज निज सहित परस्पर सहित एकाठी होकर म्यूचुआल डिफेन्स रे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी बीसी द रोमन बिगिन टू एक्सपेंड एट द एक्सपेन्स ऑफ द एट्रुस्कन स्टेट्स पॉसिबली प्रोबेल्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रोम्स फास्ट टू मेजर वार्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स वेयर फॉट विथ फिडेने जो रोम रो दीटा प्रथम दीटा वार हेथिला स्टेट्स वेयर फॉट विथ कहा का सहित फॉट हेथिला ना फिडेना सहित जोटा कि होचे गोटे टाउन जोटा कि रोम पाखरे थिला फिडेने सहित वेई रो हेथिला वेई एवं फिडेनाई दुटा जाक परस्पर मुहांमुही होते एंड इम्पोर्टाट एट्रुस्कान सिटी वेईटा गोटे एट्रुस्कान सिटी थिला मोस्ट इम्पोर्टाट एट्रुस्कान सिटी थिला बिफोर रोमन स्ट्रेंथ इनक्रीज्ड फर्दर ए मरोडिंग गैलिक ट्राइब गोटे गैलिक बोलिका ट्राइबटे थिला स्वेप डाउन द पो रिवर वैली एंड सैक्ड रोम इन 390 बीसी तो रोमन एम्पायर बा रोमन स्ट्रेंथ इनक्रीज करिबा आगरो ए जो गैलिक ट्राइबटा पो रिवर वैली को कौन बांधी नहीं थिला संपूर्ण भाव में 390 बीसी रे द इनवेडर्स डिपार्टेड हाउएवर आफ्टर दे रिसीव्ड ए रैमसम इन गोल्ड ठीक अच्छे 40 इयर्स ऑफ हार्ड फाइटिंग इन लैटियम एंड एट्रुरिया लैटियम एवं एट्रुरिया मध्यरे दीर्घ 40 वर्षर दीर्घ युद्ध बा दीर्घ फाइटिंग परे रोम निजर पावर को रिस्टोर करि पारिथिला व्हेन रोम बिकम इंक्रीजिंगली डोमिनेंट इन द लैटिन लीग तो जितेबाला लैटियम रे किना लैटिन लीग ऊपर जितेबाला हेवी हे गला रोम द लैटिन्स टुक अप आर्म्स अगेंस्ट रोम टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस तो लैटिन माने मध्य छाडले नाही लैटिन माने छिडा हले रोम अगेंस्ट रे किना द एनसुइंग लैटिन वार जोटा को कि लैटिन वार बोलिका कहा जाए 340-338 बीसी वाज क्विकली डिसाइडेड इन रोम्स फेवर तो लैटिन वार्टा रोम रो फेवर रे ही रही थिला जहाँकि 340-338 बीसी मध्य होता रोम वाज नाउ द मास्टर ऑफ सेंट्रल इटली तो सेंट्रल इटली रो रोम वर्तमान गोटे मास्टर हो गला
ठीक अच्छे तो ता कथा समस्ते वर्तमान शुणे एंड स्पेंड द नेक्स्ट डिकेड पुशिंग फॉरवर्ड इट्स फ्रंटियर थ्रू कन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन रोम वर्तमान आगको चलला आफ्टर थ्री वार्स अगेंस्ट द सामनेटिस इन द नॉर्थ तो तीन टा वार होता क्या क्या सहित नॉर्थ रे सामनेटिस मान सहित द थर्ड इन 298-290 बीसी मध्य द पायरिक वार होता 280-275 बीसी मध्य जोटा कि ग्रीक एगेन्स्ट होता टाउन्स इन द साउथ रोम वाज द अनक्वेश्चिन्ड मास्टर ऑफ इटली तो वर्तमान रोम गोटे पूरा मास्टर ही हो गला इटली रो ठीक अच्छे देन आम मैंने जानवा सोन रोम सक्सीड लेड इन टू कन्फ्लिक्ट विथ कार्थेज तो वर्तमान रोम रो जो सक्सेस थिला लेड इन टू कन्फ्लिक्ट विथ कार्थेज कार्थेज सहित वर्तमान रोम रो कन्फ्लिक्ट हेबा स्टार्ट हेगला एंड एस्टाब्लिशमेंट कमर्शियल पावर इन नॉर्दर्न आफ्रिका कार्थेज जो माने थिले से माने गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल पावर थिले नॉर्दर्न आफ्रिकार फॉर कंट्रोल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कार्थेज मानक सहित रोम मानक वर्तमान कन्फ्लिक्ट होगा मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करवा जो मैटर को लेकिन द एनसुइंग बैटल्स नोन आज द प्यूनिक वार्स तो ये जो मेडिटेरेनियन सी रो कंट्रोल को किए नब कहीकिमी आम काश्मीर को लेकिन इंडिया पाकिस्तान चलेचे से मेडिटेरेनियन सी को किए नब कहीकि कार्थेज और रोम मध्य जो वार्टा है प्यूनिक वार बोलिका कहगला ठीक अच्छे प्यूनिक वार स्पान द इयर्स 264-146 बीसी मध्य चलला 264-146 मध्य वार होता प्यूनिक वार होता ओके टू ग्रेट मिलिटरी जीनियस वेयर अमंग द लीडर्स इन दिस वार्स तो किए किए गले दुटा दीज ग्रेट मिलिटरी जीनियस वारे जो प्यूनिक वारे भाग नहीं गले जड़े हानिबाल लेड द कार्थे जो कार्थेज मानक पटे हो गले किए हानिबाल फोर्सेस अबाउट 220 फोर्स बहुत थिला व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द रोमन कमांडर स्किपियो आफ्रिकानस द एल्डर ओके स्किपियो आफ्रिकानस द एल्डर थिले रोम रो सेतेबेले कोन मिलिटरी पार्ट रे किना थिले एवं से हानिबाल को हराई देथिले जे कि कार्थेजिनियन को पटे थिले बा कार्थेज मान को पटे थिले द रोमन ऑक्युपाइड कार्थेज एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इन 146 बीसी रोमन जीती गला रोमन माने जीती जाइथिले कार्थेज मानक हरई देते संपूर्ण भाव से ध्वंस करदे 146 बीसी रे द डिफीट ऑफ दिस पावरफुल राइवल सस्टेन्ड द रोमन्स एक्यूस्टिव मोमेंटम एंड दे सेट देयर साइट्स ऑन द एंटायर मेडिटेरेनियन एरिया तो टोटल मेडिटेरेनियन एरिया को संपूर्ण भाव में माड़ जाते मैप्रे तुम मानक देखी मेडिटेरेनियन एरिया पाखे कि मैंने जेहेतु मेडिटेरेनियन सी रही है मेडिटेरेनियन एरिया बोल कई टू द ईस्ट द रोमन्स डिफीटेड देख तापर ईस्ट रु कि पलि आसे ईस्ट पटर कौन है ना रोमन मैंने हरेबा को स्टार्ट कले क्या हरेले सीरिया को हरेले मासिडोनिया को हरेले ग्रीस को हरेले इजिप्ट को हरेले एमाने माने पूरा टोटल टाक हरेदेले ऑल ऑफ व्हिच हैड अंटिल दे देन बीन पार्ट ऑफ द डिकेइंग हेलेनिस्टिक एम्पायर तो माने ए जो रोम सीरिया मासिडोनिया ग्रीस इजिप्ट एगुडा को सब पलैले रोम अंडर तापर गोटे एम्पायर खड़ा है जो मानने छिड़ा गोटे एम्पायर को ना कौन दे हेलेनिस्टिक एम्पायर वर्तमान डिके करिबा स्टार्ट कर दिला ऑल ऑफ व्हिच हैड अंटिल देन बीन पार्ट ऑफ द डिकेइंग हेलेनिस्टिक एम्पायर द रोमांस ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द आचियन लीग एंड बॉन्ड कोरिंथ ठीक अच्छे आचियन लीग को डिस्ट्रॉय कर देकी कोरिंथ को जले मैंने संपूर्ण बंद कर देते 146 बीसी रे ओन थ्रो मैसिव इफोर्ट एंड विथ इनवेटेबल लॉसेस द न्यूली एक्वायर्ड लैंड्स ऑफ डाइवर्स पीपल्स पॉपुलेटिंग देम प्रूव्ड ए चैलेंज टू गवर्न इफेक्टिवली द रोमांस ऑर्गेनाइज्ड द कन्क्यूर्ड पीपल इनटू प्रोविंसेस तो जैसे जगह से अधिकार कले से गोटे गोटे प्रोविंस रे बदलईदे अंडर द कंट्रोल ऑफ अपॉइंटेड गवर्नर्स तो से जगह जड़े जड़े गवर्नर को रखीदे विथ एब्सोल्यूट पावर से ठीक ठाक पावर दिगला ओवरऑल नॉन रोमन सिटीजन्स तो गवर्नर माने नॉन रोमन सिटीजन को ऊपर कौन हेड हो रही एंड स्टेशन ट्रूप्स इन ईच रेडी एंड एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट फोर्स इफ नेसेसरी माने जो जो जगह जहाँ जहाँ सब दरकार होता से सब दौले नेसेसरी ट्रूप हो कि एक्सरसाइज ऑफ अप्रोप्रिएट सॉरी अप्रोप्रिएट फोर्स हो जो जहाँ दरकार होता नॉन रोमन सिटीजन मानक रोम दौला इन रोम
इन रोम प्रॉपर माने प्रॉपर रोमटा जोठिना रहला द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स सफर्ड द कंसीक्वेंसेस ऑफ लिविंग इन ए नेशन दैट हैड इट्स आईज इनवेरिएबली ट्रेंड ऑन द फार होराइजन ठीक अछि प्रॉपर रोमटा जोठि रहितला सेठरे जो सिटीजन माने थिले अधिकांश सिटीजन माने अधिकांश नागरिक माने से माने ना टिके तांको असुविधा होबाकु लागिला धीरे धीरे निज नेशन रे ही रहबा लागि रोमन फार्मर्स वर अनेबल टू रेज क्रॉप्स टू कम्पीट इकोनोमिकली विथ प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड मेनी माइग्रेटेड टू द सिटी तो रोमन रो जो फार्मर माने थिले से माने जेहेतु निज निज एरिया रे सेतिके तांको सुविधा हेला नाही तांकर जो फार्मिंग करबा लागि से माने धीरे धीरे सिटी को माइग्रेट होबाकु लागिले फॉर ए टाइम द कॉमन पीपल वर प्लैकेटेड विथ ब्रेड एंड Succuses as the authorities attempted to divert their attention from the gap between their standard of living and that of the aristocracy. ठीक अछि तो जो साधारण लोक माने aristocracy विरुद्ध रहते थिले slavery जेहेतु रहितला slavery fueled the Roman economy and its rewards for the wealthy turned out to be disastrous for the working classes माने slavery टा बहुत रहितला ठीक अछि जहाँफल कि कौन है ना स्लावेरी जेहेतु संख्या अधिक बढ़ीगला स्लावेरी अधिक होगा तो गोटे डिजास्टरस टाइमिंग गोटे पलैसला रोम पाई कि टेनसन स्क्रू धीरे धीरे टेनसन बढ़ला जहाँफल कि सिविल वार से एरप्ट होता ओके सिविल वार बर्तमान जन्म नेला द एनसीएंट पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड रिवल्यूशन मार्क द ट्रांजिशन ऑफ रोम फ्रॉम ए रिपब्लिक टू एन एम्पायर जहाँकि बाट कढ़ाई देला रोम रो रिपब्लिक को वर्तमान गोटे एम्पायर रे परिणत करबा को ओके तो से जो वार हेतला जो सिविल वार हेतला सेतिरे जो लोक माने सब पार्टिसिपेट करथिले समान को मध्ये रो नोटेबल फिगर थिले जे की थिले गायस मैरियस जने मिलिटरी लीडर हु वाज इलेक्टेड कंसुल 7 टाइम्स 7 थरो तांको कंसुल हिसाब रे कणना जो लीडर हेछन से मिलिटरी लीडर थिले से एंड सुला होचंती जणे आर्मी ऑफिसर गायस मैरियस जणे सुला गायस मैरियस आओ सुला तो ये दी जण थिले नोटेबल फिगर द लैटर स्टेजेस ऑफ सिविल वार इनकम्पास द कैरियर्स ऑफ पंपी रो कैरियर द ऑरेटर सिसेरो एंड द जूलियस काइजर हु इवेंचुअली टुक फुल पावर ओवर रोम एज इट्स डिक्टेटर तो डिक्टेटर हिसाब से एम को फुल पावर मिलगला बर्तमान इमरजेन्सी टाइम चली ना तो डिक्टेटर बाहर तो जो पार्टी सब एम को सब अपॉइंट करागला पावर दिगला आफ्टर हिज असाइनेशन इन 44 BC तो ये जो गैसियस मैरियस जो मृत्यु पर असाइनेशन पर 44 BC द ट्रियुमिवरेट ऑफ मार्क एंटोनी लिपिडस एंड ऑक्टावियन काइजर्स नेफ्यू रूल्ड तो एमाने वर्तमान रूल करबा को लागिले किए ना ट्रियुमिवरेट जे के मार्क एंटोनी कर कौन मार्क एंटोनी रो ट्रियुमिवरेट एवं लिपिडस एवं ऑक्टावियन लिपिडस एंड ऑक्टावियन काइजर्स नेफ्यू काइजर कर एमाने नेफ्यू थिले एमाने सब रूल करबा को स्टार्ट करले इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर ऑक्टावियन वेंट टू वार अगेंस्ट एंटोनी तो एंटोनी विरुद्ध रे किना ऑक्टावियन वर्तमान युद्ध करबा स्टार्ट कर देले इन नॉर्दर्न अफ्रीका रे तांकर चलला एंड आफ्टर हिज विक्ट्री एट ऑक्टियम तो ऑक्टियम रे जेते बेले ऑक्टावियन जीति गले 31 BC रे ही वाज क्राउन्ड रोम्स फर्स्ट एम्परर आज अगस्टस ठीक अच्छे तो ना वर्तमान अगस्टस होगला समस्त अगस्टस ना जान लें बर्तमान से जीति गले किए ऑक्टावियन जीति गले ठीक अच्छे तापर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच स्टेट रिपब्लिक माने कौन ये ना तो ये वर्तमान आम मैंने जाने ना रिपब्लिक को जानवा आगु तुम्हें जाने नेल जे किपर भाव पूर्व रिपब्लिक नथिला मोनार्की थिला मोनार्की परे रिपब्लिक हेतला रोम रे पुनश्च सेटा मोनार्की को आसीगला एम्परर सेठी एम्परर अगस्टस शासन करबा को स्टार्ट कले रिपब्लिक माने कोन रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ए स्टेट इज रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिटीजन बॉडी जोठी किना लोकमानंकर जणे जणे लोकमानंक मध्यर जणे जणे जायकी जेमिते हम भारत रे वोट प्रथा रहीची तो लोक मध्यरु जणे जणे व्यक्तित्व जाइकी जेतेबेले शासन कार्य ग्रहण करथांते सेतेबेले कोन ताकू ना रिपब्लिक बोलिका कुहा जायथे एवं मॉडर्न रिपब्लिक कथा जदि कहबा सेथरे सोवर्निटी रहउछि लोक मध्यरे एवं एथरे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी रहउछि ठीक अछि तो गोटे लोक गवर्नमेंट ही रहइबो हेड रे एवं से ही
विभिन्न प्रकार रो माने हेरिडिटरी मोनार्की एठी आउ चलिबो नाही, गोटे लोक कमेंट रे रहिबो एवं विभिन्न लोक तार साइड रे रहिके ताको हेल्प करिवे कार्य रे। तो वर्तमान आमे माने जानि नेले रिपब्लिक विषय रे, नै कि रिपब्लिक जो कि जोटा कि हमरो भारत रे मध्ये चली छि नै। तो 17th सेंचुरी बेळको द टर्म वाज यूज्ड टू डिजाइनेट एनी स्टेट विथ द एक्सेप्शन ऑफ टायरनिकल रिजिम्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन एक्सप्रेशंस। तो एगुडा को जहा भी रहिछे ना एगुडा को टिके पढ़ी देले तुम मैंने जानी पारिबो कौन रही है 17th सेंचुरी कथा। 17th सेंचुरी रे एटिकिना लैटिन एक्सप्रेस तो एटिना कौन हो तो कैटेगरी ऑफ रिपब्लिक कुड बी एनकंपासेस नॉट ओनली डेमोक्रेटिक स्टेट्स बट ऑल्सो ओलिग्राकीज आरिस्टोक्रेसीज मोनार्कीज ए सब को ध्वंस कर दे कि वर्तमान रिपब्लिक आसीगला। ओके केवल जे डेमोक्रेटिक स्टेट थिला सेते बेले नाही, ओलिग्राकी माने रही थिला, आरिस्टोक्रेसी भी रही थिला, मोनार्की मध्ये रही थिला। इन 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ 1576 मसीहा रे जो कॉमनवेल्थ बुक टी रही छी हिज द कैनोनिकल स्टडी ऑफ सॉवरनिटी द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर जीन बॉडिन कर लेखा जोटा जीन बॉडिन जो जहाँ को कि कह जाए कॉमनवेल्थ से लिखी 1576 ख्रीस्टाब्दे से ही लिखी थे विभिन्न कथा रोम विषय लेखार ठीक अच्छे। दस अफर्ड ए फार रिचिंग डेफिनेशन ऑफ द रिपब्लिक से जो जॉन बॉडिन बा जॉन बॉडिन कॉमनवेल्थ रे रिपब्लिक को डेफिनेशन दे कि कौन कही ना द राइटली ऑर्डर्ड गवर्नमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फैमिलीज एंड दोज थिंग्स व्हिच आर दे आर कॉमन कंसर्न बाय सॉवरेन पावर। ओके टायरनीज वे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डेफिनेशन। टायरनी एथे नथिला बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट इज नॉट द कॉमन गुड बट द प्राइवेट बेनिफिट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल। तो टायरनी रही नथिला किछि कारण एथे कॉमन गुड नथिला, ओनली प्राइवेट बा सिंगल इंडिविजुअल मानक कथा एटी कहा जायतला। तो 17th सेंचुरी एवं 18th सेंचुरी टाइम रे द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक शिफ्टेड विद द ग्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स एंड देयर अपीवल इन ए सीरीज ऑफ वार्स एंड रिवल्यूशंस फ्रॉम 8 years वार। तो 8 years वार होता जो 1568 रु 1648 मध्य रे टू द अमेरिकन रिवल्यूशन। अमेरिकन रिवल्यूशन रे 8 years वार जो होता 1775 रु 83 मध्य अमेरिकन रिवल्यूशन चली एंड द फ्रेंच रिवल्यूशन 1787 रु 1799 पर्यंत होता। तो ये कौन ना निहाती भाव रे रिपब्लिक रो जो मीनिंगटा रही है सेटा धीरे धीरे चेंज होता या सहित सेफ्ट बाय दोज इवेंट्स एंड टर्म रिपब्लिक केम टू डेजिग्नेट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर इज पीरियोडिकली अपॉइंटेड अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्रास्ट टू हेरिडिटरी मोनार्की। ओके ओके डिस्पाइट इट्स डेमोक्रेटिक इम्प्लिकेशंस द टर्म वाज क्लेम्ड इन द 20th सेंचुरी बाय स्टेट्स हुज लीडरशिप एंजॉयड मोर पावर देन मोस्ट ट्रेडिशनल मोनार्क्स इंक्लूडिंग मिलिटरी डिक्टेटरशिप सच एज द रिपब्लिक ऑफ चिली अंडर ऑगस्टस पिनोजेट एंड टोटलिटेरियन रिजिम सच एज द डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो यहपर भाव में वर्तमान आम मैंने डिस्कशन करेले टोटाल आमर कौन ना रोम रो जो रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट रही थिला एवं डेवलपमेंट ऑफ क्लास सोसाइटी से संपर्क में संपूर्ण भाव में डिस्कशन करदे। तो वर्तमान क्लास टी ये रखुच्छे नेक्स्ट क्लास में आम मैंने रोम रो आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर संपर्क में डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे थैंक यू।